Hello everyone, this is Kartir Sagar. I welcome you all on my YouTube channel. In this lecture, I am going to discuss a problem on section of solid. So let's begin. First of all, understand the question that what is required. यहाँ पे क्या ढूंढने के लिए बोला गया है वो हम पहले समझ लेते हैं. That they want sectional top view and true shape of the section. ये दो चीज है जो हमें ये चैप्टर के अंदर ढूंढनी है. That is sectional top view and true shape of the section. अभी उसमें करते क्या है that we are cutting up object. यानी हमारे पास कोई object है तो उसका एक section करते हैं. Cut करने के बाद वो ऊपर का part निकल जाएगा और उसके बाद हमें एक सामने से देखना है object को तो उसका true shape कैसा दिखेगा cut होने के बाद cut portion का. So that is our motto in this subject कि हम subject को क्या करेंगे solid को cut करेंगे और उसके बाद उसका true shape जो है वो ट्रेस करेंगे. So first of all let's understand what is the question. पेंटागॉन पिरामिड दिया हुआ है. सो इट इज इट हैव वन ओपेक्स एंड वन बेस. पेंटागॉन पिरामिड बेस इज 30 mm साइड्स. तो हमें पेंटागॉन जो बनाना है डेट इज ऑफ 30 mm साइड्स एंड हाइट इज 65. सो एक्सिस की जो लेंथ है डेट इज 65 mm लॉन्ग. स्टैंडिंग ऑन HP यानी हॉरिजॉन्टल प्लेन पे ऑब्जेक्ट है. यानी हमारा जो टॉप व्यू है डेट इज पेंटागॉन. क्योंकि हम ऊपर से देखेंगे तो ऑब्जेक्ट जो है डेट इज इन हॉरिजॉन्टल प्लेन. तो हमारा जो टॉप व्यू है वो पेंटागन आएगा और फ्रंट व्यू में हमें ट्राइंगल देखने को मिलेगा बिकॉज इट इज पिरामिड. सो डेट इज क्लियर. सेकेंड कि हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे HP पे है वो ध्यान रखना है. बेस साइड कितना है और एक्सिस लेंथ कितना है तो हमें पता चल जाएगा फ्रंट व्यू टॉप व्यू क्या है. देन वन मोर थिंग दैट वी आर गोइंग टू कट इट. सो फॉर डैट उन्होंने क्वेश्चन में दिया हुआ है कि डैट किस तरह से पड़ा हुआ सच डैट वन ऑफ इट्स बेस साइज इज पैरेलल टू VP. तो हमारा जो वर्टिकल प्लेन है उसको पैरेलल एक बेस साइड है. तो पेंटागन में 5 बेस साइड आती है हमारी इस तरह से 5. उसमें से एक जो साइड है डेट इज पैरेलल टू वर्टिकल प्लेन. तो हमें उसी तरह से टॉप व्यू बनाना पड़ेगा कि जिससे हमारा जो वर्टिकल प्लेन है उसको पैरेलल आए. ठीक है. सो वी हैव टू पुट हम यहाँ पे पेंटागन अलग अलग तरीके से रख सकते हैं जिसके अंदर हमारा जो XY लाइन है उसको पैरेलल ये हो सकता है या उसको परपेंडिकुलर एक हो सकता है. तो हमें वो ध्यान रखना है. हमारे केस में पैरेलल दिया है तो हमें ये पैरेलल वाला ड्रॉ करना है. परपेंडिकुलर बोला होता तो ये परपेंडिकुलर वाला ड्रॉ करना होता. तो हमें एक बेस साइड को पकड़ के ड्रॉ करना है. तो ये हमारा टॉप व्यू आने वाला है डेट इज फिक्स और अकॉर्डिंग टू डेट वी विल ड्रॉ फ्रंट व्यू. ठीक है. क्वेश्चन ज्यादा समझना जरूरी है उसके बाद ड्रॉ करना इतना हार्ड नहीं है. नाउ नेक्स्ट इज सेक्शनल प्लेन मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 degree टू HP. यानी हमें जहां से कट करना है वो जो प्लेन है वो 60 degree है विथ HP. यानी हमारा जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है उसके साथ 60 degree पे हमें कट लेना है. एंड पासिंग थ्रू मिड पॉइंट यानी हमें हमारी जो भी एक्सिस है 65 उसके हाफ डिस्टेंस पे कट लेना है. तो हमें उस तरह से ध्यान लेना है कि हमें 65 का हाफ 32.5 वहां से पास होनी चाहिए हमारी कटिंग प्लेन की जो भी एक्सिस है वो. ठीक है. एंड फाइनली वी हैव टू ड्रॉ टू थिंग्स दैट सेक्शनल टॉप व्यू एंड ट्रू शेप ऑफ द सेक्शन. तो पेंटागन पिरामिड है तो हमें ध्यान रखना है कि पहले तो टॉप व्यू और उसका फ्रंट व्यू बना लेना है. उसके बाद सेक्शनल प्लेन बनाना है कट करने वाला प्लेन और उसके बाद लास्ट में हम प्रोसेस करेंगे जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ड्रॉ करेंगे टॉप व्यू. नाउ फॉर टॉप व्यू आई एम टेकिंग दिस बेस दैट इज 30 mm. तो यहाँ पे मैं टॉप व्यू के लिए 30 mm बेस साइड ले लेता हूँ. नाउ व्हाइल ड्रॉइंग इट एक चीज ध्यान में रखें कि आपको याद रखना है कि कटिंग प्लेन जो है वो किस तरह से कट कर रहा है. टॉप व्यू को कट कर रहा है या फ्रंट व्यू को कट कर रहा है. हमारे केस में जो है डेट इज एंगल HP के साथ है तो फ्रंट व्यू कट करेगा. सो लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ द पेंटागन. तो हमारा पेंटागन के लिए हमें 72 degree लेना होता है. सो आई एम टेकिंग 72 degree एट बोथ साइड टू क्रिएट अ पेंटागन ऑफ 30 mm साइड. और आपको अगर आपका पेंटागन गलत आ रहा है तो आपका आंसर एकदम गलत है. सो बी केयरफुल वाइल ड्रॉइंग एनी ट्रू शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल हेक्सागोनल शेप है तो हेक्सागोनल सही से ड्रॉ करो हेक्सागोन. वरना आपका जो फ्रंट व्यू है उसी क्योंकि प्रोजेक्शन यूज करते हैं तो आपका टॉप फ्रंट व्यू भी उसी के अकॉर्डिंग आएगा तो सारा ड्राइंग गलत हो जाएगा. सो यू हैव टू केयरफुल विथ योर टॉप व्यू. तो ये हमारा टॉप व्यू है पेंटागोन का. उसका साइड साइज जो हमारा था
डेट इज 30। तो ये साइड साइज 30 है। अभी फटाफट इसके प्रोजेक्शन ऊपर खींच लेते हैं जिससे हमारा फ्रंट व्यू रेडी हो जाएगा। तो अभी आपको पता है कि जो हमारा पेंटागन होता है उसका एक सेंटर ऑपेक्स भी होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये लाइन ऊपर खींच लेते हैं। तो यहाँ पर सारी जितने भी पॉइंट्स है उसके प्रोजेक्शन खींच लेते हैं। नाउ ध्यान ये ध्यान रखना है कि हमारा जो पेंटागन उसमें बेस जो है डेट इज पेंटागन पिरामिड में हमारा बेस है और एक ऑपेक्स है। तो आपको एक ही लाइन को ऊपर ले जाना है, डेट इज पासिंग थ्रू सेंटर लाइन। तो इसलिए मैं प्रोजेक्शन बाकी सारे प्रोजेक्शन छोटे ही ले रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि ऊपर मुझे ज़रूरत नहीं है। तो बाद में निकालने की जगह मैं पहले से ही प्रिकॉशन रख रहा हूँ। सो यू हैव टू बी स्मार्ट विथ योर ड्राइंग, दैट व्हाट इज इम्पोर्टेंट इन योर ड्राइंग। आपको लाइन वही लंबी करनी है जो काम की है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर यही लाइन सेंटर लाइन जिसमें से पास होने वाली वही मैंने लंबी की है जिससे मुझे 65 mm लॉन्ग लेना है। तो यहाँ से मैं 65 mm लॉन्ग ले लूँगा, डैट इज़ ऑन एक्सिस। तो यहाँ पे मेरा पिरामिड का फ्रंट व्यू जो ट्रायंगल शेप में दिखने वाला है डैट इज़ रेडी विद द हेल्प ऑफ दिस रेफरेंस लाइंस। और बाकी के लाइंस यहाँ तक के काम के हैं। तो मैं उसी को यहाँ पे पिरामिड क्रिएट कर देता हूँ। सो दिस इज आर फ्रंट व्यू, आपको पता चल रहा होगा। यहाँ पे हमारा ये ओपेक्स है ओ, तो यहाँ पे हमें सेंटर में ढूंढना पड़ेगा वो भी, ठीक है। यहाँ पे हम ए ए बी सी कॉर्नर्स को नाम दे देते एंड ई, पांच कॉर्नर्स है। उसी तरह से हमारे फ्रंट व्यू में भी आ जाएंगे ए डैश बी डैश की तरह। आपको देखना है प्रोजेक्शन लाइन किसको टच कर रहा है, उसी हिसाब से आप अपने पॉइंट्स ले लो। तो यहाँ पे ये सॉरी ये यहाँ पे बी डैश था, ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश ई डैश। तो यहाँ पे मेरे मुझे पॉइंट्स मिल चुके हैं। सो डेट आर जनरेटर्स। तो यहाँ पे हमें सेंटर में एक ढूंढना है, तो यहाँ पे हम इसका सेंटर ढूंढ लेते हैं फटाफट क्योंकि हमें ओपेक्स की ज़रूरत है टॉप व्यू में। तो ये यहाँ पर दो इंट आप सेंटर लाइन टच मिड पॉइंट ढूंढ लो और उसको आप उसके सामने वाले कॉर्नर के साथ टच कराओगे तो आपको सारे पॉइंट्स एक ही जगह पे मिलेंगे, डेट इज इट्स ओपेक्स। तो यहाँ पे ये हमारा ओपेक्स मिल चुका है सेंटर में और ये हमारा ओ मिल चुका है और ये हमारा ओपेक्स ओडेस था फ्रंट व्यू में। हमारा ये टॉप व्यू है, तो ये हमारा टॉप व्यू है और फ्रंट व्यू बन चुका है। ठीक है, और ये हमारा साइड साइज 30 दिया था जो हमने ले लिया था और सेंटर लाइन जो हमारा मिड पॉइंट है उसी पे हमें ये डिस्टेंस 65 लेना था तो वो भी हमने ले लिया है। तो ये एक ध्यान रखो कि कौन से पॉइंट पे आपको एक्सिस का हाइट लेना है वो आपको पता होना चाहिए, वरना आप गलत पॉइंट पे चले जाओगे और आपका जो ड्राइंग है वो गलत हो जाएगा। सो दिस इज आर 65। अभी कटिंग प्लेन की बात करते हैं, ठीक है। हमने सिर्फ फ्रंट व्यू और टॉप व्यू ड्रॉ किया है, अभी कट नहीं किया है। तो कटिंग प्लेन इज पासिंग थ्रू मिड पॉइंट, आपको बोला है कि पासिंग थ्रू मिड पॉइंट ऑफ द एक्सिस। तो पिरामिड की एक्सिस जो है वो ओबी पे ही है और उसके मिड पॉइंट यानी 32.5 में से पास होगी कटिंग प्लेन इस तरह से क्योंकि वो एचपी के साथ एंगल बना रहा है 60। तो आपको 60 डिग्री पे बनाना है, मगर पॉइंट कौन सा है, तो पॉइंट है मिड पॉइंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मिड पॉइंट ढूंढ लेते हैं। तो डेट इज 32.5। तो यहाँ से 32.5 पे मैंने मिड पॉइंट ले लिया है। नाउ एंगल इज 60 डिग्री, तो उसके लिए मैं ये सेट स्क्वायर यूज कर रहा हूँ जिसका 60 डिग्री ड्रॉ करने में इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर ये मैं सेट कर लेता हूँ बेस पे और इससे यहाँ से ये कटिंग प्लेन की रेफरेंस लाइन बना लेता हूँ। कटिंग प्लेन इज सिमिलर लुक्स सिमिलर टू द सेंटर लाइन, तो हमें सेंटर लाइन की तरह ही बनाना है, मगर फर्स्ट लास्ट और फर्स्ट एंड जो है वो डार्क होता है। सो वी हैव टू यूज डैट नोटेशन फॉर सेंटर लाइन। तो यहाँ पर ये हमारी हो चुकी है और आपको फर्स्ट और लास्ट जो है लाइन उसको डार्क करना है और यहाँ पे लिखना है सीपी यानी कटिंग प्लेन, और यू कैन यूज अदर नोटेशन टू, मगर सीपी इज मोस्टली नोटेड। तो ये हमारा कटिंग प्लेन है, ये कट हुआ है, आपको दिख रहा है कि यहाँ पर कट हुआ है ओ ए को, उसके बाद यहाँ पे कट हुआ है ओ बी ओ ई को, फिर उसके बाद ये पॉइंट जो है वो हमारी है ओ
बी, देन ओसी को हमारा कट हुआ है यहाँ पर। फिर इसी तरह से आपको देखना है कि आपके प्रोजेक्शन के हिसाब से कौन से जनरेटर को कट किया है, उसी पॉइंट को आपको डिनोट करना है। तो यहाँ पे हमें जो कट मिला है, लिख लेते हैं पी डैश देन क्यू डैश, सॉरी, तो आपको नोटेशन भी फॉलो कर सकते हैं अलग तरीके से, ठीक है। पी क्यू देन आर डैश देन द रेस्ट डैश एंड फाइनली यहाँ पे बेस में कट हो रहा है। तो बेस में कट कर हो रहा है यानी बेस में हमारे दो पॉइंट भी आ सकते हैं, ठीक है। तो हमारा बेस कौन सा है, तो यहाँ पे बेस जो है ये बी सी वाले बेस को कट कर रहा है और डी ए वाले बेस को कट कर रहा है। आप प्रोजेक्शन देखें तो यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास जो जनरेटर ट्राइंगल्स दिख रहे हैं पिरामिड के, पाँच है, ओ बी सी देन ओ सी डी, इसी तरह से, तो इसी तरह इसमें भी है, तो दो जगह पे कट होने वाला है। तो दो पॉइंट लिखने होते हैं, एस देन टी एन यू, तो टी डैश एंड यू डैश, सो टी डैश एंड यू डैश यहीं पे दो पॉइंट आ जाएंगे, ठीक है। अभी आप यहाँ पे ध्यान रखते, पॉइंट्स मिल चुके हैं आपको, पॉइंट लेने हैं आपको, सीधे डायरेक्ट प्रोजेक्शन खींचने हैं। तो ओ डैश ए डैश पे हमारा मिला है पी डैश पॉइंट, तो ओ डैश ओ और ए पे हमें प्रोजेक्शन खींचना है। तो यहाँ पे ये पॉइंट से प्रोजेक्शन खींच लेते हैं ओ ए पे, तो आपको यहाँ पे पॉइंट मिल गया। सिमिलरली फोर पॉइंट क्यू डैश ओ ई को फॉलो करना है, तो बाजू में से हम ओ ई पे एक प्रोजेक्शन ले लेते हैं, तो यहाँ पे ओ ई को देखना है और वहाँ पे प्रोजेक्शन लेना है। सिमिलरली ये पॉइंट की बात करें वो बाद में बात कर लेते हैं, क्योंकि आपका ओ बी और ये प्रोजेक्शन लाइन दोनों एक ही पे ओवरलैप है, तो यहाँ पे डायरेक्टली पॉइंट नहीं मिलेगा, तो उसके लिए प्रोसेस करना पड़ेगा। देन ये पॉइंट एस डी एस की बात करें तो डैट इज ऑन ओ डी, तो ओ डी की बात, ओ डी पे पॉइंट ले लेते हैं प्रोजेक्शन, तो ओ डी पे पॉइंट मिल चुका है। देन दिस इज ऑन बेस, तो दो बेस में कट हो रहा है, तो एक टी और एक यू पॉइंट है, तो यहाँ पर प्रोजेक्शन खींच लेते हैं बेस पे। तो ये हमारे बेस दो थे, उसमें एक जगह पे यहाँ पर मिला, एक यहाँ पर मिला है, तो यहाँ पे हमारा ये मिला था एस, उसके बाद टी एंड ये यू है, और ये हमारा एस था, यहाँ पर क्यू और पी, एक ही पॉइंट बाकी रह गया डेट इज आर, जो हम डायरेक्टली ले नहीं सकते। तो उसके लिए आपको क्या करना है, ये पॉइंट को जनरेटर पे पहले पहुंचाना है, तो आप जनरेटर तक उसका प्रोजेक्शन खींच लो, वहां से सीधा प्रोजेक्शन आपको खींचना है ये हमारा जो ओपेक्स है उसके सेंटर लाइन तक। तो उसको हमारा सेंटर लाइन और ओपेक्स जो है वो एक ही है, और वहां से आपको एक पैरल लाइन बनाना सिमिलर इसकी तरह ही, और इसका प्रोजेक्शन सीधा वो हमारी जो नई लाइन है उसके ऊपर ले लेना है। सो वी आर टेकिंग प्रोजेक्शन ऑन दिस पॉइंट, तो हमें एक प्रोजेक्ट पॉइंट मिल चुका है, और ये पॉइंट को हमें पहुंचाना है ओ बी पे, क्योंकि ओ बी पे हमारा पॉइंट है आर। तो ओ बी पे पहुंचाने के लिए क्या करेंगे, हम राउंडर से आपको ओपेक्स को सेंटर बनाना है, नया पॉइंट जो आया है उसके प्रोजेक्शन ओ बी तक पहुंचाना है विद द हेल्प ऑफ राउंडर। सो यू विल गेट द पॉइंट ओवर हियर फॉर आर। तो आपको पता चला कि क्या करना है, ये पॉइंट का हम डायरेक्ट प्रोजेक्शन नहीं ले सकते ओ बी पे, इस बाकी सारे में हमारे पॉइंट्स लाइंस क्रॉस है तो हमें मिल जाते हैं। ओ आर के लिए क्या करना है कि आपको पॉइंट में से जनरेटर जो हमारा है ओ ए वहाँ तक स्ट्रेट लाइन बनाना है, पैरेलल सिमिलर प्रोसेस करना है हमारा ये ओ ए ओ में से यानी सेंटर में से, और आपको उसके प्रोजेक्शंस हमारी जो नई लाइन है वहाँ तक लाना है, और उसके बाद राउंडर का इस्तेमाल करके हमारा ओ बी पे था तो ओ बी पे वो ट्रांसफर कर देना विद द हेल्प ऑफ राउंडर। सो हमें आर पॉइंट मिल जाएगा। नाउ यहाँ पे हमारा सो शेप है डेट इज पिरामिड, तो पिरामिड को ज्वाइन करेंगे, कटिंग पॉइंट्स मिल चुके हैं ये सारे जितने भी मिले वो, तो उसको ज्वाइन कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ स्केल, क्योंकि यहाँ पे हम सर्कुलर शेप में ज्वाइन क्यों नहीं करेंगे, बिकॉज दिस इज नॉट सरफेस इज नॉट इन सर्कुलर फॉर्म, तो हमारा सिलेंडर या कोन होता तो वी विल यूज सर्कुलर लाइन्स टू ज्वाइन दिस। यहाँ पे हमारा पिरामिड है सो वी आर यूजिंग लाइन्स टू ज्वाइन दिस पार्ट। तो यहाँ पर ये जो पार्ट दिख रहा है डार्क, डेट इज आर सेक्शनल टॉप व्यू, तो यहाँ पर हमने ये यहाँ पे सेक्शन बना दिया है। टू डिनोट दिस लाइन सेक्शनल दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पर सेक्शंस बना देंगे कि कटिंग सेक्शंस किस तरह से आएंगे, तो पैरेलल लाइंस का इस्तेमाल करेंगे, ये सेक्शनल लाइन है जिससे पता चलता है कि ऑब्जेक्ट इज कट और वो उसका सेक्शन हुआ है, तो वो पार्ट निकालने के बाद कैसा दिख रहा है, तो हम दिखा देंगे यहाँ पे पैरेलल सेक्शनल लाइन से कि ये पार्ट जो है डेट इज रिमूव्ड। तो ये हमारा सेक्शनल टॉप व्यू है, क्लियरली पता चल गया किस तरह से ड्रॉ करना है। नाउ थर्ड डेट इज ट्रू शेप ऑफ द सेक्शनल टॉप व्यू, हमारा हो चुका है यहाँ पर, ये पार्ट हो चुका है, ट्रू शेप ऑफ द सेक्शन करना है
ट्रू शेप ऑफ द सेक्शन के लिए क्या करना है, हमारा ये पैरेलल लाइन को इस तरह ट्रांसफर करना है, यानी आपको आपके जो ऑब्जेक्ट है उसमें जो ये हमारे 60 डिग्री वाली जो लाइन थी उसी को ट्रांसफर करना है ना। यहाँ पे हमने एक्स वाई लाइन नहीं बनाया, तो ये हमारा जो प्लेन था जिस बेस है वही हमारा मेन एक्स वाई लाइन है, ठीक है। तो हमें सिर्फ एक्सटेंड करना है, ये हमारा एक्स वाई था और यहाँ से सारे मेजरमेंट करने वाले हैं, मगर पहले ये जो हमारा कटिंग प्लेन है उसको हम साइड में ट्रांसफर कर लेते हैं। तो डैट इज ऑन 60 डिग्री, तो फिर से डायरेक्टली हम 60 डिग्री का प्रोसेस भी कर सकते हैं इस तरह, या फिर आप पैरल लाइन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे डायरेक्टली 60 डिग्री ले लेते हैं यहाँ पे ट्रांसफर करने के लिए, तो बेस लाइन का इस्तेमाल करते हुए मैं 60 डिग्री लाइन बना लेता हूँ, यानी इसी के पैरल लाइन बनाई है मैंने। तो यहाँ पर ये मेरा 60 डिग्री, सॉरी, सो दिस इज आर वाई वन, दिस इज वाई वन एंड दिस इज एक्स वन, ठीक है। सो आई एम यूजिंग दोस लाइंस टू क्रिएटिंग ड्राइंग। नाउ हमें क्या करना है, ये जितने भी कटिंग पॉइंट्स जो हमें मिले हुए हैं उसमें से पैरल लाइंस बनाने हैं, और वो पैरल लाइंस का इस्तेमाल करते हुए हमें ट्रू शेप ड्रॉ करना है। तो फॉर दैट आई एम यूजिंग दिस सेट स्क्वायर, और ये पॉइंट्स में से मुझे परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन खींचना है। तो यहाँ पर ये मेरा जो कटिंग पॉइंट था दैट इज यू एंड टी, तो उसमें से मैं परपेंडिकुलर लाइन खींच रहा हूँ। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट था दैट इज एस, तो एस में से मेरा पॉइंट हुआ, उसके बाद नेक्स्ट जो है आर, सो सेम प्रोसेस इज गोइंग टू बी डन टू द ऑल पॉइंट्स। तो यहाँ पे ये आर, देन क्यू, सो फॉर क्यू आई एम प्रोसेसिंग द सेम थिंग, टेकिंग परपेंडिकुलर लाइंस फ्रॉम द कटिंग प्लेन फ्रॉम ऑल द कटिंग पॉइंट्स। तो यहाँ पे मैंने सारे कटिंग पॉइंट्स जो है उसमें से लास्ट लाइन वॉज लिटल बिट क्रॉस, सो आई एम मेकिंग इट अगेन, तो आपका ड्राइंग जो है वो सही आए। तो यहाँ पर ये सारे परपेंडिकुलर लाइन्स ले लिए मैंने। नाउ टू ट्रेस ट्रू शेप वी हैव टू यूज दिस कटिंग टॉप पॉइंट्स ऑफ सेक्शनल टॉप व्यू। तो हमें क्या करना है, जो एक्स वाई लाइन है उसमें हमारा जो भी पॉइंट है उसको एक्स वाई लाइन से डिस्टेंस मेजर करना है, और एक्स वन वाई वन लाइन से उसको राउंडर से पहुँचाना है, यानी वी हैव टू यूज राउंडर टू ट्रेस अ कर्व ट्रू शेप। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक ही बात करें तो यहाँ पे हमारा पी पॉइंट था। पी पॉइंट के लिए करना है आपका प्रोजेक्शन लाइन देखना है, एक्स वाई लाइन पे जहाँ पे टच हो रहा है वहाँ पे पॉइंट ले लेना है राउंडर का, वहाँ से ये पी पॉइंट तक का डिस्टेंस ले लीजिए आप, ठीक है। इस तरह से ये डिस्टेंस लेने के बाद वो लाइन कहाँ पे, तो ये यहाँ पे टच हो रहा था पी डैश पे, तो वही लाइन पे हमें एक्स वाई पे जहाँ पे टच हो इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एक्स वन वाई वन एंड पी वन की जो प्रोजेक्शन लाइन है वहाँ से ये राउंडर से पहुँचा देना है। सो दिस इज आर पी पॉइंट। क्यू पॉइंट की बात करो, सेम प्रोसेस करना है, क्यू यहाँ पर है हमारी ओ ई लाइन पे, और ये ओ ई लाइन वाला जो प्रोजेक्शन है वो यहाँ पे एक्स वन वाई वन को टच कर रहा है, तो आप एक्स वन वाई वन से प्रोसेस करो ये ओ, और दूसरी लाइन जो हमारी थी क्यू वहाँ से राउंडर से प्रोजेक्ट कर लो। सिमिलरली फॉर आर, सो वी हैव टू जस्ट फॉलो द प्रोजेक्शन लाइन्स, जो एक्स वाई वन लाइन से हमारा पॉइंट है आर, वो हमारे आर डैश वाली जो लाइन है वहाँ की जो प्रोजेक्शन लाइन है वहाँ से ऊपर, देन नेक्स्ट अगेन फॉर एस वी आर गोइंग टू डू द सेम प्रोसेस। ये सारे पॉइंट्स जो थे उस पर एक ही एक पॉइंट थे, मगर लास्ट जो हमारी लाइन है उस पर दो पॉइंट है टी एंड यू, तो हमें दो बार हमें प्रोजेक्शन वही लाइन पे लेने हैं, सो वी आर गोइंग टू प्रोजेक्ट इट विद द हेल्प ऑफ राउंडर। तो हमें ये टी, पहले जो मिला वो टी था और उसके बाद जो मिला है वो यू है, तो ये हमारा टी है, ये यू है, देन यहाँ पर हमारा ये था एस, देन पी, उसके बाद हमने क्यू लिया था, उसके बाद आर था, तो ये हमें सारे पॉइंट्स मिल चुके हैं, बस हमें यही ऑर्डर में ज्वाइन करना है, पी को आर के साथ ज्वाइन करना है, तो हमें सारे पॉइंट्स जो है वो मिल जाएंगे। तो हम ज्वाइंट कर लेते हैं जितने भी पॉइंट्स हैं विद द हेल्प ऑफ स्केल, तो हमें सारे पॉइंट्स जो मिले हैं उससे हमारा ट्रू शेप जो है वो मिल जाएगा। यहाँ पर
हमारा जो ट्रू शेप है वो इस तरह से आने वाला है, ठीक है। सो वी आर यूजिंग द सेम प्रोसेस। तो यहाँ पर ये P, Q, देन R एंड दिस लास्ट पॉइंट S, T एंड U। सो आई एम जॉइनिंग दिस इन द सेम मैनर। यहाँ पे आपको जिस तरह से मिला है P के बाद Q, Q के बाद S, S के बाद T, T के बाद U, U के बाद R और R के बाद P, तो वही सीक्वेंस में आप ज्वाइन करोगे तो आप इजीली आपको मिल जाएगा। और उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, आपको ये सेक्शन कट किया है हमने, सो वी हैव टू यूज सेक्शनल लाइंस टू शो दैट इट इज द सेक्शनल पार्ट। तो यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ सेक्शंस लाइन आई एम डिनोटिंग दैट दिस इज द कट पार्ट। सो दिस इज आर ट्रू शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट आफ्टर मेकिंग अ कट ऑफ 60 डिग्री इन अ पेंटागन पिरामिड। तो ये दिस इज आर ट्रू शेप, तो ये हमें जो मिला है दिस इज ट्रू शेप ऑफ सेक्शन, ठीक है। सो दिस इज आर आंसर। तो दो चीज जो ढूंढनी है, सेक्शनल टॉपी और ट्रू शेप ऑफ द सेक्शन, वो मिल चुका है, ठीक है। तो आपको ध्यान क्या रखना है, फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपको टॉप व्यू और फ्रंट व्यू पहले बनाना है, ठीक है। फॉर दैट देयर विल बी डिस्क्रिप्शन, तो आपको इस तरह से डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। वो डिस्क्रिप्शन में से आपको पहले तो टॉप व्यू और फ्रंट व्यू बनाना है। आफ्टर दैट दे आर गोइंग टू मेक इट अ कट, सेक्शन करना है। तो सेक्शन के लिए आपको डिस्क्रिप्शन मिला है, मिड पॉइंट में से 60 डिग्री में से पास होता हुआ। तो आपको 60 डिग्री में से पास होता हुआ ये एक कट लेना है। कटिंग प्लेन हमारी बात दिखानी है, सी पी जो हमारा कटिंग प्लेन है, और उसके बाद जो भी हमारे जनरेटर से उस पर कटिंग पॉइंट्स मिलेंगे तो वो पॉइंट को आपको डिनोट कर लेना है और उसके प्रोजेक्शन खींच लेना है। और आपको देखते रहना है ओ ए पे कौन सा पॉइंट है, तो पी है तो उसी का प्रोजेक्शन ओ ए पे लेना है। सेम प्रोसेस आपको ओ बी के लिए, ओ सी के लिए करना है। अगर आपका पॉइंट डायरेक्टली नहीं ले सकते तो आपको ये स्पेशल प्रोसेस करना है कि आपको जनरेटर पे वो पॉइंट का प्रोजेक्शन ले जाना है और वहां से आपको यहाँ पे प्रोजेक्ट करना पड़ेगा ओ बी पे। ये प्रोसेस ध्यान से देखना वापस दो तीन बार, तो आपको मिल जाएगा पॉइंट, ठीक है। और ये पॉइंट मिलने के बाद आपको ज्वाइंट करना है और उसको सेक्शन लाइन से दिखाना है क्योंकि ये हमारा सेक्शनल शेप है। तो सेक्शनल टॉप व्यू कट होने के बाद, और उसी के बाद उसमें से हमें प्रोजेक्शन खींच के जो भी पॉइंट मिले उसके परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन खींच के हमें ट्रू शेप ड्रॉ करना है। तो ये हम जब ऑब्जेक्ट को सामने से देखेंगे कट करने के बाद, ये हमने ऊपर से देखा है, मगर अगर सामने से देखेंगे कट होने के बाद तो हमें ट्रू शेप जो मिलेगा वो हमें मिल जाएगा। सो होप यू गाइज एंजॉय द वीडियो एंड अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट दैट हाउ टू ड्रॉ ट्रू शेप ऑफ द सेक्शन फॉर एनी शेप। थैंक यू।